इमरान खान का 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का ऐलान। कहा, सारी कौम से कहता हूं, आप न्यूट्रल हुए तो आने वाली नस्लें पछताएंगी। हकीकी आजादी मार्च से खिताब में कहा कि सब लोग 1 से 2 बजे तक रावलपिंडी पहुंचे, वहीं मुलाकात होगी। सिर्फ अपनी कौम के लिए निकल रहा हूं। कप्तान जवान पार्क लाहौर में मौजूद, आज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। जियो और नून लीग ने घड़ी की कहानी बनाई। जंग ग्रुप के खिलाफ दुबई, अमेरिका और बरतानिया की अदालतों में केस करेंगे। इमरान खान कहते हैं, अफसोस से कहना पड़ता है, पाकिस्तानी अदालतों में इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं साबिक वजीर आजम होकर अपना मुकदमा दर्ज नहीं करा सका। अरशद शरीफ और आजम स्वाति को भी इंसाफ नहीं मिला। यहाँ इंसाफ के सामने ताकतवर खड़ा है। इमरान खान ने मार्च से क्या हासिल किया, कुछ रोज में पता चल जाएगा। इमरान खान वाजे कर चुके हैं, हमले और हुकूमत गिराने में इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं। परवेज इलाही कहते हैं, जो आर्मी चीफ आए हम उनके साथ हैं। पंजाब हुकूमत इमरान खान की हिफाजत करेगी। लॉन्ग मार्च से नून लीग की शक्लें उजड़ी हुई हैं। गोटी फंस गई, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हुकूमत सियासी, मुआशी, इक्तसादी और तैनाती बहरान में फंसी हुई है। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा, ये हफ्ता फैसला कुन है। जी का जाना ठहर गया है, ये जमीनी हकायक से बेखबर और फजा में मुअल्लक है। ना हाथ आसमान पर, ना पांव जमीन पर लग रहे हैं। मौसमियाती तबाही के शिकार गरीब ममालिक के लिए बड़ी खुशखबरी। नुकसानात के अजाले के लिए आलमी फंड कायम। डैमेज एंड लॉस फंड के जरिए सैलाब समेत दीगर मौसमियाती नुकसानात के शिकार ममालिक की माली मुआवनत की जा सकेगी। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ में बड़ी मदद मिल सकेगी। दुनियाई खेल का सबसे बड़ा मुकाबला फीफा वर्ल्ड कप कतर में सजने को तैयार। अरबों शायकीन बड़े टाकरे के लिए बेचैन। पहला मार्का मेजबान कतर और इक्वाडोर के दरमियान होगा। इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे होगी। आसमान रंगो नूर से जगमगाएगा, अरब सकाफत उजागर की जाएगी। अलबैत स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। कराची पुलिस ने लापता लड़की का मामला हल कर लिया। दानिया शाह 22 अक्टूबर को ब्रिगेड के इलाके से लापता हो गई थी, पुलिस ने मलीर से बरामद कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक लड़की ने नवाब नामी शख्स से पसंद की शादी की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था, अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे। ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किल, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत आवाम के दुआओं की। इस हारे आसादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।